अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो कि हमारा चैनल है HVAC Insights का, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं HVAC के मतलब ट्रबल शूटिंग, ऑपरेशन, मेंटेनेंस वगैरह, पार्ट्स के बारे में डिस्कस, फॉल्ट के बारे में डायग्नोसिस, एरर्स वगैरह देखते हैं, रिजोल्व करते हैं एरर को। तो होप्स हो कि आपको इस चैनल में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर बिलफर्ज कुछ ना भी समझ आता हो तो आप नीचे कमेंट भी कर देते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको वहाँ पर नीचे रिप्लाई दे सकूँ आपके क्वेश्चन का। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में अपने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल है वो चार मेजर पार्ट पर डिस्कस करता है, कंप्रेसर, कंडेंसर, एवेपोरेटर और रेफ्रिजरेंट कंट्रोल। और अभी रिसेंटली हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि कंप्रेसर क्या होता है और किस तरह काम करता है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और इसकी टाइप्स क्या है, किस तरह के कंप्रेसर हमारी रेफ्रिजरेशन साइकिल में आजकल इस्तेमाल किए जाते हैं और किस किस लेवल पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा आज का लेक्चर था वो है कंडेंसर, बेसिकली कंडेंसर होता क्या है और ये किस तरह काम करता है और इसकी आगे से फर्दर टाइप्स वगैरह कितनी हैं और ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज हम आपको दिखाते हैं कंडेंसर और एसी कंडेंसर इज आउटर पोर्शन ऑफ द एयर कंडीशनर और हीटर पंप, इधर रिलीज और कलेक्ट्स हीट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारा डोमेस्टिक लेवल है घरों में जो इस्तेमाल किया जाता है कंडेंसर, जैसा कि जो आउटर है जो कि हम बाहर लगाते हैं, जैसे छतों पर, बाहर साइड वगैरह पे जिसमें हमारा कंप्रेसर लगा होता है, पीछे बैक साइड पर जाली होती है जिसे हम कंडेंसर कहते हैं। बेसिकली उसमें पाइप होते हैं और वो पाइप वगैरह बने होते हैं, उसके अलावा कंडेंसर जाली होती है जिसमें रेफ्रिजरेंट होती है और वो बेसिकली हमारा एयर कूल्ड होता है जिससे हमारी हीट ट्रांसफर होती है। तो बेसिकली जो कंडेंसर में जो रेफ्रिजरेंट होती है वो कंप्रेसर से वेपर में आती है और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है जब वो हीट एक्सचेंज करती है को। तो उसका बेसिकली काम ही कलेक्ट हीट करना होता है डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ द ईयर। बहुत सब एयर कंडीशनर, हीट पम्प, कंडेंस आर मेड ऑन द सम बेसिक पार्ट्स। तो जैसा कि हम आपको दिखाते हैं ये डायग्राम वगैरह में, अभी हम आपको दिखाएंगे, पहले हम इसकी आपको डेफिनेशन बता देते हैं कि इन द सिस्टम इन्वॉल्विंग हीट ट्रांसफर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कंडेंसर का मतलब है हीट ट्रांसफर करना। कंडेंसर इज अ हीट एक्सचेंजर यूज टू कंडेंस गैसीय सब्सटेंस इनटू लिक्विड स्टेट। बिल्कुल ऐसे ही है कि जो कंडेंसर का काम है वो हीट को ट्रांसफर करना है और उसकी जो स्टेट है वो चेंज करना है, गैसीय से लिक्विड में लेके आना है थ्रू कूलिंग। इन सम डूइंग रिलेटेंट हीट इज रिलीज बाय सब्सटेंस एंड ट्रांसफर्ड टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारे कंडेंसर नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं HVAC में वो एयर कूल्ड कंडेंसर होते हैं। जैसा ही हवा कंडेंसर के साथ टकराती है, हवा जो कि होती है गर्म और हवा होती है ठंडी और कंडेंसर होता है गर्म। कंडेंसर में जैसे होती है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और जो एक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, तो जैसे ही इसका हीट होती है तो हीट ट्रांसफर होती है, जब हीट ट्रांसफर होती है तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है तो वो वापस दोबारा लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं जो उसकी कंडेंसर की जो है पिक्चर्स वगैरह अभी आपको दिखाएंगे कि बेसिकली कंडेंसर होते किस तरह के। ये देखिए आपको इस डायग्राम में नज़र आ सकते हैं, ये कंडेंसर है, ये रेफ्रिजरेशन का कंडेंसर है जो कि फ्रिज वगैरह की बैक साइड पर लगा होता है, वेपर रेफ्रिजरेंट जाती है, ये प्लेट टाइप फिन्स वगैरह लगी होती हैं और ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट आउट हो जाती है। जैसा कि मैं आपको बताया था कि इसमें वेपर रेफ्रिजरेंट इन होती है, कंप्रेसर जब आती है तो उसमें ना रेफ्रिजरेंट की स्टेट चेंज होती है ड्यू टू हीट ट्रांसफर, और इस जगह पर आके इसकी हीट ट्रांसफर होती है तकरीबन 70-20% हीट ट्रांसफर हो जाती है। जब हीट ट्रांसफर होती है उसकी स्टेट ऑटोमेटिकली चेंज होती है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट लिक्विड में स्टेट हो जाती है, तो वापस ही आगे एक्सपेंशन वाइस में चली जाती है वेपर कंट्रोल में। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं बहुत ही सिंपल डायग्राम, ये डोमेस्टिक लेवल पे हैं और ये हमारे आउटर कंडेंसर वगैरह नज़र आ रहे हैं आपको। अभी हम इसके बारे में और भी डिटेल से बात करेंगे, अभी हम आपको ना इसकी टाइप्स वगैरह भी दिखाएंगे जो कंडेंसर की जो मेजर टाइप्स हैं, किस तरह के कंडेंसर हमारे पास इस्तेमाल होते हैं मार्केट में। तो आप ये कह सकते हैं हमारे पास तीन तरह के कंडेंसर इस्तेमाल किए जाते हैं मार्केट में जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले जो एयर कूल्ड कंडेंसर, सबसे पहला एयर कूल्ड कंडेंसर, सेकेंड वन इज़ वाटर कूल्ड कंडेंसर एंड थर्ड इज़ एवेपोरेटिव कंडेंसर। जो कि एयर कूल्ड कंडेंसर होता है वो क्या हमारा कमर्शियल लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है, शेल और ट्यूब टाइप होता है, शेल में रेफ्रिजरेंट होता है और ट्यूब में पानी होता है। जब वो पानी ठंडा होता है, रेफ्रिजरेंट गर्म होती है, तो ये भी हीट ट्रांसफर का काम करती है, स्टेट चेंज होती है तो हीट ट्रांसफर होती है। वाटर कूल्ड कंडेंसर है जो कि सिर्फ पानी से ठंडे होते हैं। उसके अलावा एवेपोरेटिव कंडेंसर है, ये वाटर एयर कूल्ड कंडेंसर है जो कि हवा और पानी दोनों से ठंडे होते हैं। तो कंडेंसर की मेजर तीन टाइप्स हैं, नेचुरल कन्वेक्शन है मेन टाइप्स ऑफ कंडेंसर, नेचुरल कन्वेक्शन, फोर्स कन्वेक्शन, डबल ट्यूब, शेल ट्यूब कंडेंसर। तो कंडेंसर का बेसिकली काम सिर्फ हीट ट्रांसफर का होता है कि इसमें हीट ट्रांसफर होती है, और इसकी जो मेजर टाइप्स हैं एयर कूल्ड है, वाटर कूल्ड है, वेपरेटिव कंडेंसर है। तो ये जो हमारे, ये भी हमारे रेफ्रिजरेंट साइकिल का बहुत ही एक अहम पार्ट है, इसके बगैर भी रेफ्रिजरेंट साइकिल इनकम्प्लीट है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी मेरी वीडियो समझ आई होगी। इन केस अगर आपको वीडियो में कोई मसला आ रहा है, कोई समझने में कोई मसला आ रहा है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रही, कोई बात समझ नहीं आ रही, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आप कोशिश करूँगा उसका जवाब दे सकूँ। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।